नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मैं आपके साथ रईस जैदी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 7 मार्च से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर बैठी हुई है। करवाना बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना, उनको THR देना, बच्चों को भी THR देना, ये सब योजनाएं हम पर पड़ी हुई हैं जब से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। और समूह द्वारा बच्चों को खाना दिया जाता था, वही भी नहीं दिया जा रहा। और कुपोषित बच्चों को हम लोग भर्ती करवाते थे, उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखते थे, बच्चों को वजन लेकर, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। हड़ताल के कारण आंगनवाड़ियों का कार्य प्रभावित हो रहा है और साथ ही बच्चों का पोषण भी वितरित नहीं हो पा रहा है, ना ही गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हो पा रहा है। आपको बता दें, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निरंतर हड़ताल जारी किए हुए हैं। पूरी योजना ठप्प पड़ी है शासन की, फिर भी शासन हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हमारी एक बहन चलकर तारीख है, दमोह जिला की एक एक्सपायर हो गई है सहायक रहती, उनको आपको टिकट है कि 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा पंडाल होके धूप में बैठने के कारण उनको चक्कर आए थे और वह घर पहुँची 14 तारीख को उनका हाथ में। आज हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कि उनके परिवार को 25 लाख राहत राशि दी जाए एवं उनकी बहू और बेटी की नौकरी और अपनी मांगों पर अड़ी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। दमोह से धीरज कुमार की खास रिपोर्ट।